नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं 1 जनवरी 2019 के करंट अफेयर। दोस्तों 2019 आ गया है, यानी कि सबसे पहली बात तो आपको विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला साल मंगलमय हो। भगवान करे आप इस साल में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो आपने सोचा है, अपने जो भी आपके सपने हैं, वो भगवान करे जल्दी से जल्दी वो पूरे हों आपके सपने। सो अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम स्टार एजुकेशन फैमिली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 30 मई 2018 को उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत कहाँ की है। बेसिकली हमारे जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं और साथ के साथ ये प्राकृतिक गैस मंत्री भी हैं धर्मेंद्र प्रधान ने, इन्होंने एक उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की है। और इस पहल की शुरुआत इन्होंने की है तो भारत के किस राज्य में की है, हमसे ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में इन्होंने ऐसी योजना की शुरुआत की है। अच्छा, ये योजना जो शुरुआत तो इन्होंने कर दी, लेकिन ये योजना है किससे संबंधित? जो ये योजना है, इसका उद्देश्य जो है वो राज्य के हर ज़िले में स्वच्छता उत्पादों और अवसरों तक रोज़गार पहुंचाना है। बेसिकली क्या होगा, पहले चरण में ओडिशा के सभी 30 ज़िलों के 93 ब्लॉक में कॉमन सर्विस सेंटर में तेल विपणन कंपनियों द्वारा लगभग 100 स्थानीय विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जाएगी। बेसिकली जो कॉमन सर्विस सेंटर है, इनको कहा जाता है आपका CSC, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर है। तो यहाँ पे लगभग इतने तो आपके 93 ब्लॉक में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे स्टार्टिंग में तो। और उसके बाद में क्या होगा, हर एक विनिर्माण इकाई की स्थापना की लागत जो होगी वो लगभग इन्होंने ऐसा बताया है कि 2.94 करोड़ रुपये आनी चाहिए। तो इससे होगा क्या राज्य में, इससे राज्य में लगभग 600 महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। और जितनी भी 8 सैनिटरी नैपकिन हैं उससे क्या होगा, स्वच्छता भी आएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा राज्य की स्वच्छता के लिए भी और महिलाओं के रोज़गार के लिए भी। ये कई प्रकार की योजनाएं शुरू की गई है। अच्छा, जब ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर तो हो ही गई आपकी। ओडिशा के सीएम का नाम क्या है, ओडिशा के सीएम है आपके नवीन पटनायक, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। और ओडिशा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आपका प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक है, ये हरियाणा के सिरसा से हैं, इनका याद रखिएगा आप लोग, प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। अच्छा, जब भी ओडिशा का जिक्र आता है तो एक क्वेश्चन मैं आपको हर बार बताता हूँ, ओडिशा में है आपका एक विल्लर द्वीप, और विल्लर द्वीप का नाम बदल के हाल ही में कर दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हाल ही में अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण भी किया गया था। और साथ के साथ एक और याद रखिएगा, ओडिशा में आपकी है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो नमकीन पानी की कह दो या खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी खारे पानी की है, सबसे ज़्यादा खारे पानी की जो झील है उस झील का नाम है आपका सांबर झील। सांबर झील भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। तो चलिए, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 29 दिसंबर 2018 को कई मौजूदा विभागों का विलय करके एक अध्यात्मिक विभव यानी कि आध्यात्मिक विभाग बनाने की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने एक आध्यात्मिक विभाग बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है कि एक आध्यात्मिक विभाग बनाएगा। बेसिकली मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम है कमलनाथ जी ने ऐसी घोषणा की है कि एक आध्यात्मिक विभाग बनाया जाएगा। अच्छा सर, ये बनाया क्यों जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बेसिकली सभी प्रकार के धर्मों का एक सामंजस्य करने के लिए। जैसे अगर आपको याद हो तो हिंट देता हूँ मैं, अकबर ने 1582 में एक दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। आपने अगर थोड़ी जीके पढ़ी है तो याद होगा आपको, दीन इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए। और उसको स्वीकार करने वाला पहला और आखिरी जो व्यक्ति था वो बीरबल थे आपके। वो बेसिकली हिंदू और मुसलमान धर्म की एकता से था। लेकिन ये जो आध्यात्मिक विभाग है आपका, स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट बनेगा, ये सभी प्रकार के धर्मों के लिए होगा आपका।
बेसिकली कांग्रेस ने ना पिछले महीने विधानसभा चुनाव आने से पहले ये वादा किया था कि मध्य प्रदेश तीर्थ ईवा मेला प्रधान मंदिर के अलावा धर्म न्यास ईवा धर्म विभाग और धर्म न्यास और बंदोबस्ती विभाग और आनंद विभाग, इसको हैप्पीनेस विभाग भी बोलते हैं, इनका सभी का विलय होके और एक संस्थान बनेगा जिसका आध्यात्मिक विभाग नाम रखा जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, मध्य प्रदेश में तीर्थ ईवा मेला प्रधान मंदिर, इसके अलावा धर्म न्यास ईवा मंदिर और एक आपका है हैप्पीनेस विभाग, इसको आनंद विभाग भी कहते हैं। तो ये सभी डिपार्टमेंट अब मिल के एक ही डिपार्टमेंट हो गया है और जिसका नाम अब रख दिया गया है आध्यात्मिक विभाग। अच्छा, जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो सीएम तो हमने जिक्र कर ही लिया, कमलनाथ। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है आपका? भोपाल है। और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उन गुजरात की पूर्व सीएम, ध्यान रखिएगा, देखो मैं हर बार बोलता हूँ इसी तरीके से आप याद रखिएगा, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, इनका नाम है आपका आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है ये गुजरात की और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य की अभी राज्यपाल है। और गुजरात सॉरी आपका ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का जो है आपके क्या कहते हैं सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को, इतना भी याद रखिएगा आप लोग। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के नए सीएम जो बने हैं उनका नाम है कमलनाथ। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ICC यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो ये आपकी कमेटी है, इसका हेड ऑफिस दुबई में, याद रखिएगा, इन्होंने T20 टीम में चयनित होने वाली पहली बांग्लादेश महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसमें चयनित होने वाली पहली बांग्लादेश खिलाड़ी जो बनी है आपकी, उनका नाम है रुमाना अहमद, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है, रुमाना अहमद बांग्लादेश T20 क्रिकेट में चयनित होने वाली, बांग्लादेश की तरफ से ICC T20 क्रिकेट में चयनित होने वाली पहली खिलाड़ी बनी है आपकी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात और याद रखिएगा आप लोग, ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है? ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है एलिसा हिली को, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका एलिसा हिली, इनको मिला है ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। अच्छा, ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं एलिसा हिली, ठीक है, इनको ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को 31 दिसंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ये फिर से ICC आपका द्वारा महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर और वुमेन वनडे ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हमारी स्मृति मंधाना को, इंडिया की क्रिकेट की टीम की है स्मृति मंधाना। अच्छा, इसमें एक झूलन गोस्वामी है, जब भी झूलन गोस्वामी आता है तो हर बार एक बात याद रखिएगा, इनको बोला जाता है नाभिया एक्सप्रेस, ये ज़रूर पेपर में आता है, ये 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाली पहली महिला है आपकी और मिताली राज वनडे क्रिकेट टीम की महिला की भारत की कप्तान है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान को भारत सरकार द्वारा नया सूचना मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए जो सूचना आयुक्त बने हैं उनका नाम है सुधीर भार्गव, सुधीर भार्गव जी को भारत का नया सूचना मुख्य आयुक्त बनाया गया है। इसमें कई क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ध्यान रखिएगा, इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बनाया है, इतना याद रखिएगा आप लोग। और इनकी पूरी टीम है, उस टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं अगर आप वो भी सुनना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, इनकी एक टीम है जिनका पहले हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, दूसरे हैं वंजा एन सरना, तीसरे हैं नीरज कुमार गुप्ता और चौथे हैं सुरेश चंद्र, इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है। तो बेसिकली आप इनके नाम चाहे याद ना भी रखो पर मेनली याद रखना भारत के नए सूचना मुख्य आयुक्त कौन है, सुधीर भार्गव। अच्छा, भारत के आपके चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? तो भारत के चुनाव आयुक्त नए हैं, उनका नाम है सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा जी हमारे जो हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है,
30 दिसंबर 2018 को 78 विकेट के साथ 2018 का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो ये जो राइट आंसर है इसका, जसप्रीत बुमराह जो हैं वो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं, इंडियन टीम के हैं ये, पूरे 2018 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कप्तान ने 30 दिसंबर 2018 को कप्तान के रूप में 11वीं टूर टेस्ट जीते हैं और इसके साथ पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का रिकॉर्ड की बराबरी की है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर हमारा है वो इस ऑप्शंस में तो नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान आप सभी जानते हो और उनका नाम क्या है आपका, विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली जो है, यानी कि इस क्वेश्चन का 5 नंबर ऑप्शन हम लिख के कह सकते हैं नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। विराट कोहली जो है इन्होंने 11वीं टूर टेस्ट जीत के साथ में 30 दिसंबर को सौरव गांगुली का रिकॉर्ड की भी बराबरी की है, इतना आप ये याद रखिएगा। इन्होंने बेसिकली क्या था, ये आपका आयोजित हुआ था एक मेलबर्न में, एक तीसरा टेस्ट मैच आयोजित हुआ था और ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद में कप्तान के रूप में 11वीं टूर टेस्ट जीत के साथ पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के रिकॉर्ड की बराबरी की है इन्होंने, तो इतना आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 2018 को हुए सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम बताइए। तो ये जो न्यायाधीश है इनका नाम है आपका जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस मदन बी लोकुर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। जस्टिस मदन बी लोकुर जो है आपके, ये सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 को लैरी रॉबर्ट्स का निधन हो गया, वह एक थे, तो ये कौन थे? ये बेसिकली एक इंटरनेट पायनियर थे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है आपका। अच्छा, ये इंटरनेट पायनियर तो थे आपके, तो ये साथ के साथ प्रोग्राम मैनेजर भी थे। आपको अरप्पा नेट के बारे में पता होगा, ठीक है, ARPA, अरप्पा नेट जो होता है आपका, इन्हीं की ही ये देन थी, बेसिकली प्रोग्राम मैनेजर थे ये अरप्पा नेट के। और टेलनेट जो होता है आपका, टेलनेट का गठन भी इन्होंने ही किया था, तो इतना भी याद रखिएगा आप लोग। और 1960 के दशक में ना कंप्यूटर नेटवर्क की अवधारणा भी इन्होंने ही लाए थे, ये भी आप याद रख सकते हो इनसे। पैकेट स्विचिंग का काम भी इन्हीं से ही था, पैकेट स्विचिंग का भी बेसिकली इन्होंने ही गठन किया था। इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में, 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो इतना याद रखिएगा। मेनली ये हरप्पा नेट से संबंधित थे, तो एक इंटरनेट पायनियर थे ये, तो इनको याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने किस राज्य में 30 दिसंबर 2018 को 22 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पहली बकरी प्रजनन प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो ऐसा दिया है बेसिकली उत्तर प्रदेश राज्य ने, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है जो ए ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है आपकी। लखनऊ किस नदी के किनारे पड़ता है? तो लखनऊ आपका है गोमती नदी के किनारे, इतना भी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और लखनऊ का, अब उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम सबको पता है योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? राम नाइक उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का नाम है। अच्छा, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी राज्य है, इतना भी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, अब इस बकरी प्रजनन प्रयोगशाला स्थापित करने का लागत कितनी आई है? तो 22 करोड़ रुपए की लागत आई है, ये तो आपने सीख ही लिया। ये की किसने है? ये राजकीय सहकारी डेयरी फेडरेशन एक डिपार्टमेंट है और एक राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम है, इसके तहत ये शुरू की गई है योजना। ये बेसिकली क्या था, फंडा क्या था इसका? एक भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, देखो अंतिम योजना आपकी थी 12वीं जो 12 से 17 तक चली थी, लेकिन जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसकी योजना की शुरुआत आपकी थी अगस्त 2007 के अंदर, ठीक है, तो 7 से 12 आपकी जो रही थी। इस 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका उद्देश्य था कि कृषि और उसके संबंध के जितने भी क्षेत्र हैं
और उनका लक्ष्य प्राप्त किया जाए कम से कम 4% का, बेसिकली मेनली कृषि के अंदर लक्ष्य प्राप्त किया जाए 4% का। और ऐसा हुआ भी है, आपको ज्ञात हो तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। 12 की 12 पंचवर्षीय योजना में इसका ओवरऑल लक्ष्य लेके चले थे ये 8% का, और इन्होंने प्राप्त किया था लगभग 7.9 के आसपास, लगभग 100% के पास पहुंची थी ये योजना। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हांगकांग में जन्मे रिंगो लाम का 31 दिसंबर 2018 को निधन हो गया है, उनका पेशा क्या था? तो ये एक फिल्म निर्माता थे, याद रखिएगा, हांगकांग के थे रिंगो लाम, इनका निधन हो गया है। अब ये फिल्म निर्माता 63 वर्ष की उम्र में ये मरे हैं, इतना याद रखिएगा आप लोग। इनकी ये कुछ मूवियां हैं बेस्ट, जैसे एक मूवी है इनकी जेल में आग, जेल में आग इनकी एक फेमस मूवी रही है। एक इनकी मूवी है आपकी स्कूल ऑन फायर, ठीक है। एक इनकी लास्ट मूवी रही है इनकी लाइफ की स्काई ऑन फायर, ठीक है। ये इनकी कुछ फेमस मूवी है, ये हांगकांग के रहने वाले थे। अच्छा, हांगकांग की बात आई तो हांगकांग की करेंसी क्या है? हांगकांग की करेंसी है आपकी डॉलर। हांगकांग की सीट वो कैपिटल क्या है आपकी? हांगकांग सेंट्रल, ठीक है। और हांगकांग के वर्तमान में पीएम कौन है आपके? तो वो आपके है ली कीकियांग, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन इतने ही थे। कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है? अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।